आपको सोया चंक्स के क्रिस्पी पकौड़े बनाना बता रही हूँ। ये प्रोटीन से भरपूर हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसको आप बारिश के मौसम में चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी सोया चंक्स लिया था, इसको एक भगोने में एक गिलास पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया। हमारे बॉईल हो गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। इसको हम सारा पानी से हटा के थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा तो हाथ से इसको स्क्वीज करके सारा पानी निकाल देंगे। चंक्स को निचोड़ के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच गार्लिक का पेस्ट, आधा कटोरी मैंने दही ली है इसको डाल देंगे, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, मैंने अभी आधा चम्मच डाला है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चावल का आटा, चावल का आटा आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। आधी कटोरी मैंने बेसन लिया इसको डाल देंगे, एक चम्मच नमक, हमने सोया चंक्स में भी बॉईल करते समय नमक डाला है, थोड़ी कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं कटी हुई। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया चंक्स को अगर कोट करने में बेसन कम लग रहा है तो बेसन थोड़ा सा और डाल लेंगे। चावल के आटा से या कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा पकौड़ा बहुत क्रिस्पी बनेंगे, तो इसमें चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़रूर मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं जिससे बेसन अच्छे से लिपट जाए इसमें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है और कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, आप रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जो भी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। अब हम इसमें एक एक करके सोया चंक्स को ऐसे डाल देंगे, अलग अलग करके डालेंगे वरना इसमें एक में चिपक जाएंगे। ये थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा तब हम इसको पलट के और अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े फ्राई हो गए, अब हम इनको निकाल के दूसरे फिर से डाल देते हैं। हमारे सोया चंक्स के पकौड़े बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और इसको टोमेटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं, प्रोटीन से भरपूर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।